दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर एक बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। ये आरोप भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली में नए प्रस्तावित अस्पतालों को लेकर लगाए हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में मल्टी लेयर घोटाला चल रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और सरकार के अधिकारी तक दिल्ली की जनता के पैसे खाने में लगे हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार के प्रस्तावित 5 अस्पतालों में से ऐसे प्रस्तावित अस्पताल का जिक्र किया जो 2020 में 458 बेड क्षमता के साथ तैयार था। उसको लेकर नए प्रस्ताव के साथ ही केजरीवाल सरकार 2021 में बैठक कर रही है। तो वहीं मनोज तिवारी ने भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित कई दस्तावेज भी पेश किए हैं। भाजपा सांसद का कहना है कि अस्पताल के निर्माण से लेकर चयन तक, जेई से लेकर सरकार के मंत्री तक घोटाले में शामिल है। इसकी जाँच को लेकर दिल्ली के उप राज्यपाल ACB को निर्देशित किया है। भाजपा के इन आरोपों पर आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भाजपा और LG पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा LG साहब एक साल पुरानी शिकायत पर कार्यवाही को मंजूरी दे दी। पूर्व LG अनिल बैजल ने उस समय इस शिकायत को नकार दिया था। मनीष सिसोदिया ने LG पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर दिल्ली सरकार को परेशान करने का आरोप भी लगाया है। मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली के LG को इस प्रकरण को लेकर चिट्ठी भी लिखी है। भाजपा सांसद वास्तविकता जानने के लिए 22 जून को इन अस्पतालों का दौरा करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।